खिचड़ी प्रसाद के बाद 7:30 बजे भरत घाट पर सबके लिए रबड़ी का प्रसाद है। प्रसाद के पूर्व जिनके मन में यह कल्पना थी और हम सब लोगों ने मिलकर यह कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं, राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी के मार्गदर्शन में दीनदयाल शोध संस्थान समाज जीवन के सभी पहलुओं पर जनता की पहल एवं पुरुषार्थ के आधार पर काम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में हमारे माननीय प्रधान सचिव जी के मार्गदर्शन में 9 तारीख को ऑटोस की शोभा यात्रा चित्रकूट में निकाली गई थी, आज नाविकों का नौका शोभा यात्रा निकाला गया है। ऐसे हमारे मार्गदर्शक दीनदयाल शोध संस्थान के सम्माननीय प्रधान सचिव महोदय जी से निवेदन करती हूँ, हम सब लोगों का मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सुंदर चित्रकूट, सुरक्षित चित्रकूट। बोले कामतानाथ स्वामी की, बोले मंदाकिनी मैया की। हम सब चित्रकूट में रहने वाले यहाँ के नागरिक गण, नाविक गण मंच पर विराजमान नन्हे राजा साहब, महंत जी, पुरुषोत्तम भैया, नीलांशु जी, बोंदू जी और हमारे प्रिय नाविक बंधु सभी, नन्हे राजा साहब ने पहले शुभारंभ के अवसर पर बताया था कि जल की व्यवस्था के लिए प्रयत्न किया गया और जल की व्यवस्था हुई। इतनी व्यवस्था हो गई कि नाव आराम से आ जा सकती है। दूसरी व्यवस्था है जो नदी में इधर उधर से नाले आकर के गिर रहे हैं, आने वाले 1-2 महीनों में वो काम भी शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से। हम सबका सोचना ये है कि जो चित्रकूट में आने वाले यात्री हैं, जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारे नाव चलाने वाले बंधु जब नाव चलाएं तो उसमें केवल भजन बजाएं। कितना भी यात्री आग्रह करे कि कोई फिल्मी गाना बजाना है, उसके अनुरोध को विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दें और उसको जो भजन है वो भजन उपलब्ध कराएं। भजन की सीडी दीनदयाल शोध संस्थान आपको उपलब्ध कराएगी। दिशा दर्शन केंद्र में श्री सतीश मालवीय जी हैं, वो आपको सीडी देंगे। जब खराब होगी तब दोबारा बना के देंगे। लेकिन उनको कहिए, निवेदन करिए, विनम्रता के साथ निवेदन करिए कि कोई भी फिल्मी गाना हम इस यात्रा में, इस प्रवास में नहीं बजाएंगे, भजन बजाएंगे, कीर्तन बजाएंगे, आपको अच्छी यात्रा कराएंगे, दर्शन कराएंगे। घूमने का मन है, कभी गाने बजाने का मन है, उनको भी कुछ सुनने का मन है, तो उसके लिए कोई स्थान हम लोग प्रमोदवन के पास तय कर देंगे। यहाँ भी ये घाट के आगे के जो 2 घाट बने हैं वहाँ तय कर देंगे। वहाँ जो उनको बजाना है वो वहाँ पर आराम से बजा सकते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र तय कर देंगे नगर पंचायत की तरफ से, ये फ्री जोन है, यहाँ आपको फिल्मी गाने बजाना है, आनंद लेना है, घूमना है, वहाँ उतने में घुमा दीजिए उनको, उतना एरिया तय कर देंगे। लेकिन पूरे तीर्थ क्षेत्र की जो गरिमा है, मर्यादा है, वो बनी रहे। वो गरिमा मर्यादा आपसे है, आप उनको जितनी विनम्रता से कहोगे, प्रभु श्री राम ने भी आपका आदर किया, सम्मान किया, हम सब लोग आपका आदर सम्मान कर रहे हैं, इसी भाव से कर रहे हैं कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको आप चित्रकूट का दर्शन प्रेम से कराएं, आनंद से कराएं, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आप उनका मार्गदर्शन करें, आप उनके लिए अच्छे गाइड बने। अपने 2-3 नाविक बहुत अच्छे गाइड हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन की तरफ से उनको हम प्रशिक्षण दिला करके उनको एक सर्टिफिकेट भी देने की बात है, उनको एक लाइसेंस देने की बात है, वो भी आगे करेंगे। नगर पंचायत, जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, यहाँ पे काम करने वाली जो भी संस्थाएं, जितने मठ मंदिर महंत संत महात्मा पूज्य महाराज जो भी यहाँ पर हैं, वो सब ये चाहते हैं कि चित्रकूट की गरिमा बनी रहे और वो गरिमा दिन प्रतिदिन बढ़े।
कम ना हो। तीर्थ स्थानों की जो गरिमा है अगर वो कम होगी तो हमारे देश की गरिमा कम होगी, हमारे देश का नाम खराब होगा। लेकिन अगर तीर्थ क्षेत्र हमारे अच्छे होंगे, हमारी धार्मिक नगरियां अच्छी होंगी, उसमें श्रद्धालु आने वाले जो होंगे उनको अगर दर्शन ठीक प्रकार से कराया जाएगा तो उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी और तीर्थ क्षेत्रों के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी। इसलिए हम नदी की स्वच्छता, घाट की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, पूरे नगर की स्वच्छता, सुंदरता और जो अभी नई नई समस्या आ गई असुरक्षा, हमारे चित्रकूट में कोई असुरक्षित नहीं रहेगा। यहां इतने डाकू रहे, इतने बदमाश रहे, सब प्रकार की जात बिरादरी में रहे, लेकिन कभी उन्होंने किसी तीर्थ यात्री को या किसी दर्शनार्थी का अपहरण नहीं किया, ना उससे पैसा लिया, ना छुड़ाया। कोई टुटपुंजिया छोटे मोटे किसी ने बस में छुड़ा लिया, कहीं छुड़ा लिया, उनको राहगीर कहते हैं या जो बकरी भेड़ मारने वाले होते उनको कहते। पर बड़े डाकुओं ने पिछले 30 साल के 40 साल के इतिहास में किसी तीर्थ यात्री को परेशान नहीं किया, उसका अपहरण नहीं किया। तो वो चले गए, उनका युग समाप्त हो गया। लेकिन अब हम लोगों का युग आया है तो हमें भी ये चिंता करना चाहिए कि हम भी लोगों को सुरक्षित रखें। हमारे पास अगर कोई तीर्थयात्री आता है तो ना हमारी नाव पर, ना हमारे घाट पर, ना हमारे मार्ग पर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उसके साथ विनम्रता से बात हो, प्रेम से बात हो, स्नेह से बात हो, और उस कारण से उसकी नाविकों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, यहाँ के मठ मंदिर महंतों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और स्वामी विवेकानंद जी जिनके सार्ध सती समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर हमारे देश की गरिमा होगी, जब वो विदेश में भाषण देने के लिए गए और उस समय जब वहां भाषण हो रहे थे तो जितने प्रकार के भाषण वहां हो रहे थे उसमें केवल एक ही बात थी कि कौन कितने को बर्दाश्त करता है, कितने को झेल पाता है। लेकिन स्वामी जी ने जब कहा कि हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया के लोगों को झेल रहा है, पूरे दुनिया के लोगों को झेल रहा है, कहीं से भी मार के, भगा के, प्रताड़ित करके, गांव से, देश से निकाला, जिन जिन का हुआ उनको भारत में शरण मिली, चाहे यक हो, सूण हो, हवा यवन हो, जो भी कुछ है, पुर्तगाल हो, जितने भी लोग थे सबको भारत ने शरण दी, सब आके यहां रहे, सबका खाना पीना, रोटी प्रसाद, घर मकान, सबकी व्यवस्था हमारे देश के लोगों ने की। तो स्वामी जी ने वहां अपने भाषण में शिकागो में कहा कि हमारा देश झेल नहीं रहा है, हमारा देश तो उनका स्वागत कर रहा है, आदर कर रहा है, सत्कार कर रहा है, उनको सम्मान दे रहा है। और अभी अभी कुछ समय पहले निर्णय हुआ कि जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी नागरिकता वहां भी रहेगी, वो वहां भी वोट कर सकते, यहां भी वोट कर सकते। तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, व्यापक, विशाल हृदय लेकर के चल रहा है। तो हमारे चित्रकूट में भी विशालता रहे, व्यापक हृदय रहे, सब उसमें समा जाएं और सब यहां से प्रसन्न होके, खुश होकर के जाएं, और जो भी जाएं वो देश में, दुनिया में जहां जाएं वो कहें कि चित्रकूट गए थे, वहां तो बहुत अच्छा है, वहां नाविक भी अच्छे हैं, ऑटो वाले भी अच्छे हैं, मठ मंदिर भी अच्छे हैं, वहां के जो संस्थाएं हैं वो भी अच्छी हैं, और वहां जाने में आनंद आता है, इसलिए आप भी वहां जाइए। अगर सब लोग ऐसे यहाँ पर आएंगे तो हमारे चित्रकूट को किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं, भगवान 11, 11.5 वर्ष, 12 वर्ष जो भी समय उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में बिताया है उसका आज तक हम लोग प्रसाद पा रहे हैं, और आने वाले 1000, 2000, 5000 वर्ष तक भी उनकी अपनी जो मेहनत है, जो तपस्या साधना रही है प्रभु श्री राम की, उसी तपस्या साधना के परिणाम स्वरूप हम लोग भी पल बढ़ रहे हैं। तो आप सबसे, केवल नागरिक बंधुओं से नहीं, पूरे चित्रकूट के समस्त नागरिक गण, संत महात्मा, मठ मंदिर, संस्थाएं, शासकीय अशासकीय प्रतिनिधि, सब मिलकर के इस चित्रकूट की गरिमा को दिन प्रतिदिन बढ़ाने का, हम सब लोग, केवल दीनदयाल शोध संस्थान नहीं, हम सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयत्न से इस चित्रकूट को पूरे दुनिया के मानचित्र पर लाकर रहेंगे। परम संदेह राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां मंदाकिनी।